तो हेलो गाइस, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग फिर से खेल रहे हैं ब्लॉक फ्रूट और आज है एपिसोड नंबर 63। तो इस एपिसोड में मेरे साथ होती हैं काफ़ी गजब की चीज़ें। तो गाइस, यहाँ पे मैं जस्ट एक मतलब रिपेंटा को बीट कर रहा था और जस्ट आप देख सकते हो मतलब इन्वेंट्री में क्या कुछ खुला है। आपको जस्ट दिखाता हूँ मुझे क्या मिला। तो यहाँ पे मैं बस रिपेंटा को रैंडमली मैंने किल किया और मेरे को डार्क डैगर मिल गया। और अब तक मैंने रिपेंटा को 3 बार मारा है, मतलब जस्ट जोरो के साथ शायद से 3 बार, क्योंकि एक बार में बॉटल खुली थी, एक बार में रैंडम कुछ हुआ था पता नहीं। तो यहाँ पे 3 बार मारा और मेरे को मिल गया यार। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली क्या किया, चैट सेक्शन पे लिख दिया भाई आई गॉट डैगर। और यहाँ पे जो हल्ला मचाना, मतलब लोग हैरान हो गए भाई इसको डैगर इतनी आसानी से कैसे मिल गया। तो मतलब ये थोड़ा होता है चीज़ें इसके साथ में। तो गाइस, यहाँ पे मैं एपिसोड मतलब काफ़ी ज़्यादा छोटा बना दिया ये वाला, क्योंकि ये होता है कि अभी मैं जो क्वेस्ट कर रहा हूँ ना वो काफ़ी मतलब बड़ा क्वेस्ट है और उसमें टाइम टेकिंग क्वेस्ट है। मैं कर रहा हूँ सीडी के लिए ट्रायल, तो उसके लिए टाइम थोड़ा लगेगा। तो इसीलिए भाई थोड़ा सा मतलब वीडियो छोटा बन गया ये वाला। तो भाई आगे चल के ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे भाई चीज़ें मतलब काफ़ी मस्त मिल गई थी, तो इसलिए भाई मैंने इसका एपिसोड बनाने का टाइम मतलब वेस्ट नहीं किया। और यहाँ पे जस्ट एक बंदा लिखता है चैट में जो कि मेरा सब्सक्राइबर है, बोलता है कि भाई उसने 15 बार किल किया लेकिन उसे अब तक मिला नहीं। तो भाई ये मतलब डार्क टाइगर अलग ही रेयरिटी है यार, मेरे को लग रहा है कुछ ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं उसके बाद मैं आइलैंड में आराम से अपना टाइम पास कर रहा था। टाइम पास नहीं हुआ यार, मैं एलीट हंटर की क्वेस्ट कर रहा था सीढ़ी के लिए और जस्ट मेरी इन्वेंट्री में कुछ खुलता है। तो यहाँ पे मुझे कुछ मिलता है, तो जस्ट आप देखो तो कहाँ गया भाई, कोई आइटम दिख रहा है। तो यहाँ पे मुझे मिल जाता है कि भाई ये भी काफ़ी अच्छा आइटम है, रेयर आइटम है। लेकिन यार इससे एक चीज़ होती है, जैसे पायलट हेलमेट से हम लोग बहुत तेज भागते हैं ना और एनर्जी भी मिलती है, मतलब ये भी कुछ वैसे वैसा ही सा है। लेकिन यार यहाँ पे मेरे को एक चीज़ बुरी लग रही है यार, कि हमारे पास ना 2-3 आइटम रखते हैं कि क्यों नहीं है स्पेस। तो यहाँ पे पायलट हेलमेट भी पहन लेता, ये भी पहन लेता, मज़ा आ जाता सही में। लेकिन कोई बात नहीं, ये भी बहुत कूल लग रहा है, डॉक्टर स्ट्रेंज वाली कतई फीलिंग दे रहा है, या फिर बोल सकते हो तुम लोग उसे मी हॉक की फीलिंग दे रहा है। तो लेकिन अभी हमारे पास डैगर है तो मी हॉक की फीलिंग ज़्यादा दे रहा है, तो लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज भी कह सकते हो। तो गाइस यहाँ पे हम लोग उसके बाद से वापस चलेंगे, क्योंकि एलीट हंटर के अभी बहुत सारे क्वेस्ट बचे हैं। 30 तो पहले करने पड़ेंगे यामा के लिए, फिर टोशीटा, तो टाइम लगेगा। तो गाइस यहाँ पे फिर से मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, टाइम पास नहीं कर रहा यार, मैं डो किंग के लिए यहाँ पे कोकोआ बीन्स जमा कर रहा था, मतलब जो भी है कोकोआ जमा कर रहा था, क्योंकि 10 चाहिए होते हैं हमें। तो वो मैं स्टार्ट कर दिया और मेरे को बहुत रेयरली मिल रहे हैं यार, पता नहीं क्यों। तो गाइस यहाँ पे फिर से मैं मतलब टाइम पास नहीं यार, यहाँ पे मैं कुछ कर रहा था एलीट हंटर की क्वेस्ट कर रहा था और मुझे जस्ट आप देखो क्या मिला, फिर से आइटम में कुछ खुला है और यहाँ पे मुझे ब्लैक बैंडेना मिला है, मतलब बीड़ू वाला चीज़ मिले आई थिंक। तो यहाँ पे बन चुका हूँ मैं बीड़ू और काफ़ी मस्त दिख रहा है, मतलब कूल दिख रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो जिन लोगों ने भी चैनल को किया है सब्सक्राइब, प्लीज़ से लाइक कर देना वीडियो को, और जिन्होंने नहीं किया आराम से कर लेना, लेकिन लाइक कर देना वीडियो को। तुम्हारे भाई ने मेहनत से बनाई और मेहनत करता रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।